नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज प्लस। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राष्ट्रपति पुखराया पहुंचकर अपनी इस यात्रा के विषय में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस तरह से प्रेरित हैं और साथ ही ये भी बताया कि रेल मंत्री ने किस तरह उन्हें प्रेसिडेंशियल ट्रेन से जाने के लिए राजी किया और पुखराया और उनके गाँव से जुड़ी कुछ और बातें। देखिए न्यूज प्लस की खास रिपोर्ट। पुखराया पहुंचे राष्ट्रपति ने बताया कि जब मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुझे अपने गांव परौख जाना है और अपनी कर्मभूमि पुखराया भी जाना है, वहां के लोगों से मिलना है, पर मन में अकुलाहट है कि लोग बताते हैं कि बारिश हो सकती है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बात ने मुझे प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बारिश हो तो हो, हम आपके गांव परौख भी चलेंगे और पुखराया भी चलेंगे। तो देखिए, हम लोग अपने गांव भी हो आए और अपनी पैतृक देवी मंदिर के दर्शन भी कराए और आज हम पुखराया में हैं। वहीं अपने भाषण में राष्ट्रपति जी ने बताया कि जब रेल मंत्री जी और मेरे दौरे के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ट्रेन से कब से सफ़र नहीं किया है। तो मैंने बताया कि जब मैं 2014 में बिहार का राज्यपाल हुआ करता था तब मैंने रेल का सफ़र किया था और तब से मैंने नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अब की बार ट्रेन से सफ़र करूं, वो जो स्पेशल ट्रेन प्रेसिडेंशियल ट्रेन है, ताकि उन्हें पता चले कि रेलवे ने पिछले कुछ सालों में कितनी तरक्की की और रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देखिए। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी क्योंकि पुखराया को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने और फिर मैं ट्रेन से आने का निर्णय किया। आज जब मैं आप सबके बीच में आया तो मेरी बहुत सारी पुराने यादें ताजा हो गई। कानपुर देहात तो होते हुए भी केंद्र बिंदु पुखराया, लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, और सही मायने में राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया तब भी केंद्र बिंदु पुखराया ही रहा। और इस बार जब मुख्यमंत्री जी मुझे लगभग 15-20 दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश कोरोना की गति कम पड़ रही है, उत्तर प्रदेश आपको अपने गांव भी जाना है, कानपुर देहात भी जाना है। मैंने ऐसी पहले इच्छा व्यक्त की थी तो उन्होंने एक रिमाइंडर मुझे दिया तो मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग कभी कभी कहते हैं कि गर्मी अधिक होती है, कभी लोग कहते हैं कि बरसात भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक प्रेरणा स्वरूप मुझे बात कही। उन्होंने कहा कि पानी बरसेगा तो बरसेगा, हमें चलना है हम चलेंगे, परौख भी चलेंगे पुखराया भी चलेंगे। और आज मैं देख रहा था हम परौख भी हो आया सुबह और पुखराया भी हो आया, पानी भी नहीं बरसा। ये एक प्रेरणा जो मुझे मुख्यमंत्री जी से मिली और जो मेरे दिल में एक अकुलाहट थी कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचूं, पुखराया पहुंचूं, अपनी कर्मस्थली पहुंचूं, और इस बार मैंने उसी प्रकार का कार्यक्रम भी बनाया। मैंने कहा कि इस बीच में मुझे रेल मंत्री जी ने एक अनुरोध किया, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप ट्रेन से यात्रा कब से नहीं की। मैंने कहा मुझे लगता है कि जब मैं बिहार का गवर्नर था उसके पहले सन 2014 तक मैंने ट्रेन की यात्रा की थी, उसके बाद में नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बार हमारी जो सबसे एक प्रेसिडेंशियल ट्रेन होती है, सैलून होता है, उससे आप ट्रैवल करिए और देखिए कि पिछले 6-7 वर्षों में रेलवे ने कितनी प्रगति की है। और मुझे एक रेलवे के प्रोजेक्ट को बारीकी से देखने की मुझे उत्सुकता थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारंपुरा इलाके में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 अधिकारी और 1 जवान घायल हुए। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी अबरार था जो कि आतंकी संगठन लश्कर का टॉप कमांडर था।
देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारिमपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के दो अधिकारी और एक जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इनकी तलाश के लिए अभी ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तान का आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके के मलहूरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि जब सुरक्षा बल गश्त के लिए निकले तभी आतंकियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट किया, श्रीनगर के मलहूरा पारिमपुरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं। एनकाउंटर के कारण स्थानीय इलाकों को भी खाली करा दिया गया है। यह आतंकी हमला तब हुआ जब कुछ देर पहले ही सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। कुछ घंटे पहले सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर नदीम अबरार को गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। नदीम अबरार 2018 से लश्कर के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ कहते हैं, बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उवैध, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अवंतीपुरा खास करके जो हरिपड़ी गाँव बेल्ट है, इसमें ट्रेडिशनली जेएस का काफ़ी रहा, इसमें मूवमेंट रहा है शुरू से। 2018 में इसी विलेज में जेएस का टॉप कमांडर आदि पठान मारा गया था। लास्ट ईयर 25 जनवरी को जेएस का टॉप कमांडर कारी यासिर पाकिस्तानी मारा गया था। सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए कोई सोर्स मुखबिर टैग करके ये अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन को इन्हांस कर दिए हैं, इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन इंट पर और फोकस कर रहे हैं। तराल में 2-3 अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। लोक भवन से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है। भारत में ही नहीं बल्कि जहां भी दलित, पिछड़ों और वंचितों के लिए न्याय की बात आएगी, वहां बाबा साहेब का नाम पूरे सम्मान से लिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं, और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। इस महामानव के साथ किस कालखंड में क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत तो महत्वपूर्ण है। आज जब 29 जून 2021 को हम सब यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में इस केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, याद करिए आज से 93 वर्ष पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ भी किया था। यानी ठीक 93 वर्ष पहले 1928 में समता, देश गुलाम था, देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा और अपनी उच्च शिक्षा को अर्जित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की सेवा के लिए आगे आए थे, और आज ही वह तिथि थी जब उन्होंने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ करके देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, पूरे देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य का शुभारंभ भी किया था। हम सब गौरवान्वित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं,
चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अपने सार्वजनिक जीवन और महापरिनिर्वाण में दिल्ली के अंदर बनाए गए केंद्र का हो, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर, या चैत्य भूमि मुंबई, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, ये पंच तीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत के उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है, जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश का यह अत्याधुनिक स्मारक और म्यूजियम या सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। और अंबेडकर महासभा, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को इस लखनऊ के अंदर हमेशा जीवंत बनाने का काम किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज प्लस और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।